हेलो गाइज, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टीम्स फॉर विन। और अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला अपना क्रिस्टल का मैच, जो कि होने जा रहा है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स और ओटावा के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है सेक्सटन ओवर नेल्सन में। दोनों टीम का जो आखिरी मैच था जो ड्रीम इलेवन ने लिस्ट करा था वो एक दूसरे के अगेंस्ट में ही था, और हमारा पर्सनली बहुत ही अच्छा गया था, आपको याद ही होगा। जैसे जैसे हमने बताए हुए थे सब कुछ सही गया था, कम से कम स्मॉल लीग जीतने के लिए तो काफ़ी था ही। लेकिन आपको याद होगा कि उस मैच की वीडियो में मैंने बताया था कि ओटागो का जो ओवरऑल रिकॉर्ड रहा है हेड टू हेड में वो पीछे वो थे, लेकिन पर्टिकुलरली एक ही ग्राउंड पे उनका रिकॉर्ड अच्छा चल रहा था, और वो ग्राउंड था डनडीन का, जहाँ पे लास्ट मैच हुआ भी था। और आपने नोटिस भी करा होगा, भले ही मैच का रिजल्ट नहीं आया, ड्रॉ हुआ था मैच या टाई हुआ था आप जो भी कह लो, लेकिन आगे थी ओटागो की टीम, ठीक है। दिक्कत में डाल दिया था उन्होंने और आखिरत में प्रेशर पे भी थे, हालांकि अच्छी बैटिंग करी थी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स ने। डेन क्लिवर और ब्रैट स्मूलियन, जो हमारे इनमें से ब्रैट स्मूलियन हमारे पड भी थे, तो दोनों ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी थी और मैच को उन्होंने बचा लिया था, या फिर कोई दिक्कत उन्होंने देने नहीं दिया था। लेकिन एज में थी ओटावा की टीम, और अगर कोई टीम आप कह सकते हैं आगे रही है तो वो ओटावा की टीम ही थी, जैसा कि हिस्ट्री में भी था, ठीक है। लेकिन अभी जो है हम डनडिन के बाहर आ गए हैं, और डनडिन के बाहर आपको याद होगा मैंने बताया हुआ था क्या क्या चीज़ें कि उतना अच्छा रिकॉर्ड होल्ड नहीं करती है ओटावा की टीम इस फिक्चर में। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, हमने उस मैच की वीडियो में डनडिन वाले जो चीज़ें हैं उसके ज़्यादा फोकस करा था। अभी हम ज़्यादा फोकस करेंगे डनडिन के बाहर क्या हो रहा है उन बातों पर, ठीक है। कोशिश करेंगे कि नेल्सन वाले कुछ मैचेस अगर हमें मिले तो उनमें हम क्या क्या चीज़ देख सकते हैं उनके ऊपर भी फोकस करने की कोशिश करेंगे। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, डनडिन के मैचेस आप देख सकते हैं, मैं वीडियो पॉज करके आप चाहे तो देख सकते हैं, क्योंकि लास्ट मैच की वीडियो में ही मैंने बताया हुआ है तो फिर से रिपीट मैं नहीं करने वाला, लेकिन अगर आपको मन है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। वेदर यहाँ पर क्लियर है, कोई इशू नहीं दिख रहा है कम से कम मैच के टाइम पे, तो ये सब चीज़ें हम पहले बता चुके हैं। लास्ट मैच ड्रॉ होने के बाद और ये दो दो की बराबरी हो चुकी है, नहीं तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आगे चल रही थी पिछले मैच के पहले तक। इस ग्राउंड में अगर बात करी जाए तो ज़्यादा मैचेस ना ही सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट खेली है और ना ही वो जीते हैं, ठीक है। आखिरी दो सीजनों में वो एक भी मैच नहीं जीत पाए हैं, जो तीन मैचेस हुए हैं उनमें से एक हार का सामना भी उनको करना पड़ा है और दो नो रिजल्ट रहे हैं उनकी तरफ से। ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनमें से निक के लिए आप देख सकते हैं पिछले सीजन में इनका हाईएस्ट स्कोर था 94 का, लेकिन लास्ट मैच में उन्होंने दोहरा शतक लगा दिया था, तो बहुत ही बड़ा स्कोर होता है वो किसी भी फॉर्मेट में, तो वो है। और ये कुछ परफॉर्मर्स हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। आ जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि डनडिन के बाहर क्या मामला रहा है और कौन कौन से प्लेयर्स स्पेशली रहे हैं जिनके ऊपर हम आज के मैच में फोकस कर सकते हैं, सही है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 2018 से, ओटागो बनाम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का मैच हुआ, ओटागो 289, ठीक है। ब्रेसवेल आपको दिख रहे हैं, ब्रेसवेल के काफ़ी फिशर में रिकॉर्ड अच्छे हैं, लेकिन अभी तक दोनों मैच में उन्होंने अपना मोमेंटम गेन नहीं करा है। बहुत बड़े प्लेयर हैं, अभी भी आपको दिखेगा कि स्मॉल लीग में लगभग सभी उनको लेके भी आएंगे, कैप्टन हसरी बनाएंगे, लेकिन थोड़ा मोमेंटम उनका नहीं दिख रहा है, ना ही बैटिंग से ना ही बॉलिंग से। जनरली एक प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह काम पे आते हैं वो, लेकिन अभी तक तो वो नहीं कर पाए इस सीजन में, देखना पड़ेगा कब तक वो अपना मोमेंटम गेन करते हैं। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बैटिंग यहाँ पर अच्छी नहीं रही थी, जिसको लीड करा था जो बॉलर थे वो अवेलेबल नहीं है। ओटावा की बैटिंग यहाँ पर ख़राब रही थी, ठीक है। जो बॉलर से जिसके ब्रेसवेल का ही आपको नाम देखने को मिल जाएगा, सेंट्रल की तरफ से जो नाम हमने बहुत ही क्रिस्टल क्लियर बताया हुआ था जो थे ग्रेग है, जो हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल भी थे, और क्या ही कमाल की बारी उन्होंने खेली थी। पहले इनिंग से दूसरे इनिंग में इंजर्ड हो गए थे, हालांकि कल का मैच या रात का मैच खेलने के लिए वो अभी भी फिट है। ब्रूस यहाँ पर अवेलेबल थे, बाकी डफी का यहाँ पर एक विकेट, डफी का बहुत अच्छा रिकॉर्ड इस फिक्चर में नहीं था, ये हमने फोकस करा था, लेकिन उस मैच में मतलब लास्ट मैच में एक इनिंग्स में डफी ने 4 विकेट निकाले हुए थे। दूसरा मैच ये हुआ था ओटावा के घर पे जो अलेक्जेंड्रा में था, सेंट्रलिस ने यहाँ पर वापस से बड़ा स्कोर खड़ा किया, जहाँ पर हे आपको स्मूलियन के साथ दिख जाते हैं ब्रूस के साथ, और डफी यहाँ पर 2 विकेट निकाले। नोटिस करो, पहले मैच पर 1 विकेट दोनों इनिंग्स मिलाकर यहाँ पर 2 विकेट निकाल रहे हैं। ओटावा की बैटिंग वापस से खराब हो रही हुई, यहाँ पर टिकनर आपको दिख जाते हैं, ओटागो ने यहाँ पर 265 बनाया फॉलोअर मिलने के बावजूद भी, जहाँ पर कैम हॉकिंस और जॉर्ज फिनी का परफॉर्मेंसेस हैं, बाकी बॉलरों में से स्मूलियन क्लार्कसन जो अवेलेबल नहीं है, सिर्फ स्मूलियन अवेलेबल है, बाकी अवेलेबल नहीं है, और नेपियर का एक मैच है, तो नेल्सन की कोई मैचेस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि देखिए अभी इस मैच के बस डनडिन की मैचेस आ जाएंगे, जहाँ पे ओटागो डोमिनेटिंग रही है वो जीते भी हैं, और लास्ट मैच में भी वो जीते नहीं पाए थे, लेकिन अपर हैंड उन्होंने रखा था। लेकिन उसके बाहर आप नोटिस करो, चाहे कुछ भी हो जाए पहले एक दो दिन में, लेकिन एट द एंड ऑफ द मैच जीत रही है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम, ठीक है। यहाँ पर वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जीते 6 विकेट के नुकसान, 6 विकेट से, उसके बाद यहाँ पर तो फॉलो ऑन करवा के जीता उन्होंने। उसके बाद यहाँ पर भी नेपियर वाले मैच में भी उन्होंने एक इनिंग्स पूरा बैटिंग करा था और एक 5 रन उन्होंने चेज करा था, यहाँ पर भी फॉलो ऑन, हाँ जी हाँ, यहाँ पर भी फॉलो ऑन को मिला था। तो यहाँ पर भी हमें ग्रेग है दिख जाते हैं, बाकी क्लेवर और नोवे बार्नेट के परफॉर्मेंसेस हैं। रिपन यहाँ पर थे, 4 विकेट उन्होंने निकाला। डफी देखिए सिर्फ एक ही विकेट,
ओटावा की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं रही थी, जहाँ पर रदरफोर्ड और बेकन, बाकी टिकनर जो हमेशा ही बॉलिंग पे लीड कर रहे हैं आखिरी एक दो सीजन से। और दूसरी इनिंग्स में भी ओटावा का बहुत अच्छा बैटिंग नहीं रहा, रदरफोर्ड, कैम हॉकिंस, नेशन स्मिथ कुछ परफॉर्मेंस थे, ये सब हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फोकस मैं नहीं कर रहा क्योंकि ये सब पहले भी हम बता चुके हैं, और नेलसन के मैच हमारे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि, तो इसीलिए ज़्यादा बातें करके फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो चीज़ बताने लायक है कि डनेडिन के बाहर, अभी देखिए ये डनेडिन के बाहर मैचेस हैं, आप देख सकते हैं डनेडिन के बाहर ओटावा के रिकॉर्ड्स अच्छे रह ही रहे हैं, बैटिंग स्पेशली मैं कहूँगा बैटिंग उनकी अच्छी नहीं रही है। लेकिन एक जो चीज़ है कि दोनों इनिंग्स बैटिंग करने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं पर चाहे कोई ना कोई बैट्समैन तो शाइन कर ही सकता है और उनके रन बन सकते हैं, लेकिन ओवरऑल उनका जो बैटिंग है अच्छा नहीं हुआ है। दो बार तो फॉलो ऑन कंसीड करके उनको हारना पड़ा है। ये मोटा मोटा जो कहानी हमें समझ में आ रहा है वो ये है, क्लियर सी बात है। अभी अगर हम बात करें डनेडिन में जो मैचेस हुए हैं, मतलब ये तो हुए डनेडिन के बाहर, डनेडिन वाले जो मैचेस हुए हैं वहाँ पर ओटावा डोमिनेटिंग रही। आप नोटिस करो, ये पहला मैच डनेडिन का जो 2020 का मैच है, क्या हुआ, ओटावा जीत गई, ठीक है, 3 विकेट नुकसान पर। परफॉर्मर्स कुछ यहाँ पर आए थे जहाँ से आपको ग्रेग है, शमुलियान, ये कंसिस्टेंट है इस फिक्शन में, ब्रेसल के भी हिस्टोरिकली नाम को दिख जाते हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। बेकन जो आज के मैच में खेल सकते हैं क्योंकि गिब्सन जिरोडे लास्ट मैच में पहले इनिंग्स में 4 विकेट निकाला था, वो अभी इंजरी के चलते बाहर है। ओटावा की बैटिंग देखिए बहुत अच्छी यहाँ पर भी नहीं हुई थी, लेकिन आपको कुछ प्लेयर्स दिख जाते हैं जहाँ से कोई अवेलेबल तो नहीं है, चलो सिर्फ किचन है जिन्होंने रन बनाया था, बाकी बॉलर में से कुछ थे। सेंट्रल डिसीज ने यहाँ पर डिक्लेयर दे दिया था, ये मैच हार नहीं सकती थी सेंट्रल डिसीज, लेकिन डिक्लेयर दे दिया था ओवर कॉन्फिडेंस की चलती या जो भी हो, इसीलिए ओटावा को यहाँ पर एज मिल गया और उन्हें जिसे कर लिया, जहाँ पर रिपन फिलिप्स की परफॉर्मेंसेस थे, बाकी बॉलरों में से टिकनर यहाँ पर आपको दिख जाते हैं। और दूसरा जो मैच हुआ रन का, जो पिछले सीजन का लास्ट मैच था, यहाँ पर ओटावा की बैटिंग देखो बहुत बढ़िया नहीं हुआ था, मतलब लास्ट मैच के पहले तक ना ओटावा एज ए बैटिंग साइड उतना डोमिनेटिंग नहीं थी जितना आपने देखा होगा सेंट्रल की तरफ से, 500 रन उन्होंने बनाए, डिक्लेयर दे दिया, ऐसा ओटावा की तरफ से देखने को हमें ज़्यादा नहीं मिल जाता। सिर्फ लास्ट मैच में ऐसा हुआ जहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ा टोटल खड़ा कर दिया, मतलब जो बंदे पिछले 2-3 साल में 1 शतक नहीं लगा पा रहे थे उन्होंने 1.5 शतक भी लगा दिया, तो ऐसे हो चीज़ें हो सकती हैं, क्रिकेट की बात है। बाकी ओटावा की तरफ से केली दिख जाते हैं जिन्होंने लास्ट मैच रन बनाया, बाकी रिपन है और डेल फिलिप्स के परफॉर्मेंस थे, मैक्स काउंट भी रन बनाया था, मैक्स काउंट लास्ट मैच भी रन बनाया था जो इसी ग्राउंड में हुआ था इसी टीम के अगेंस्ट में। बॉलरों में से टिकनर, ब्रिस्बेन और लेनॉक्स की यहाँ पर 3 विकेट से। सेंट्रल डिसीज फिर से देखिए डिक्लेयर दे रही है, ये क्वेश्चन सेंट्रल डिसीज के पास कई बार आया है इस फिक्चर में। शमुलियान है, ब्रूस हैं, क्लेवर हैं, बाकी बॉलरों में से एंगस मैकेंजी। ओटावा ने यहाँ पर 292 पर डिक्लेयर दे दिया था, जहाँ पर आपको रदरफोर्ड और केली वापस से दिख जाते हैं डिपर के साथ टिकनर के विकेट्स, और सेंट्रल डिसीज को 288 पर डिटा दिया, हालांकि हे शमुलियान, ब्रूस कंसिस्टेंटली यहाँ पर भी रहे हैं रिपन के 6 विकेट्स। ठीक है, और लास्ट जो मैच हुआ था वो भी मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ, सेंट्रल डिसीज ने पहले बैटिंग करके डिसेंट स्कोर बनाया था, बहुत बड़ा तो नहीं था लेकिन डिसेंट स्कोर था। ब्रूस, हे, क्लेवर कंसिस्टेंटली यहाँ पर हैं, इंक्लूड हुए थे नए व्हीलर और क्लार्कसन, बाकी बॉलरों में से डफी जिनका उतना अच्छा रिकॉर्ड इस फिक्चर में नहीं था इस मैच के पहले तक, लेकिन यहाँ पर उन्होंने 4 विकेट निकाला हुआ था गिब्सन के साथ। ओटावा ने बहुत बड़ा टोटल खड़ा कर दिया, मतलब 642, मुझे याद नहीं आता है लास्ट बार ओटावा ने कब इतना बड़ा स्कोर बनाया होगा 4 मैचेस में। तो रदरफोर्ड तो थे ही और यहाँ पर केली, कल की लिख दिया मैंने, केली थे, मैक्स काउ ने भी यहाँ पर, मतलब जो 50-40-50 का स्कोर बन रहा था वो यहाँ पर 90 बन गया। ठीक है, जो 50-60 या 70 के आसपास स्कोर बन रहा था वो यहाँ पर 200 बन गया, तो इतना बड़ा बड़ा स्कोर यहाँ पर बना था। बाकी रेनविक जो अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेल रहे थे इस मैच में, जो पहले सेंट्रल डिसीज के होकर भी खेल चुके हैं, उनका परफॉर्मेंस था, बॉलरों में से ये कुछ प्लेयर्स थे। सेंट्रल डिसीज के ये दोनों बैट्समैनों ने बहुत ही बढ़िया बैटिंग करी और कोई नुकसान नहीं पहुँचने दिया अपनी टीम को, लास्ट दिन में आकर काफ़ी दिक्कत में पड़ जाती है कभी कभार टीमें, लेकिन वो चांस उन्होंने नहीं दिया और आराम से इन्होंने मैच को जो है बचा लिया, जहाँ पर शमुलियान और क्लेवर का नाम को दिख जाते हैं, और ये कुछ बॉलर्स थे जिन्होंने विकेट निकाला, गिब्सन दोनों ही इनिंग्स में ही उन्होंने विकेट निकाला था वैसे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो डनेडिन के मैचेस में हम ज़्यादा फोकस नहीं अगर करें तो डनेडिन के बाहर बहुत ही खराब रिकॉर्ड जो है होल्ड कर रही है ओटावा के लिए, अब ये रिकॉर्ड है। ठीक है, ज़रूरी नहीं फिर से यही चीज़ें रिपीट हों, ये चीज़ बदल भी सकती है और हो भी सकता है कि कल के मैच में ओटावा को फिर से डोमिनेट करे डिस्पाइट कि वो डनेडिन में नहीं खेल रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड की अगर हम बातें तो डनेडिन में रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं हैं ओटावा के। ठीक है, स्पेशली अगर हम बताएं तो उनकी बैटिंग अच्छी नहीं हुई है। सेंट्रल डिसीज की बैटिंग अच्छी रही है, 2 बार तो उन्होंने डिक्लेयर भी देके रखा हुआ है और ऑफ कोर्स 2 बार उन्होंने बॉलिंग करके भी ऑल आउट करके रखा हुआ है ओटावा की टीम को। ठीक है,
इंडिविजुअलिटी ज़्यादा कुछ नहीं है, कंसिस्टेंटली कुछ प्लेयर्स के नाम को दिख जाते हैं। मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं, ओटावा की तरफ से जो बड़े प्लेयर्स हैं जैसे कि रदरफोर्ड, केली, माइकल रिपन, इनकी कुछ परफॉर्मेंस है, लेकिन इनका मेजर जो परफॉर्मेंस आपको दिख जाता है वो डनडिन में ही दिखता है। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि जो बेस्ट परफॉर्मेंस आया है इन जो प्लेयर्स के मैंने नाम बताए वो डनडिन में ही आया है। डनडिन के बाहर उतना अच्छा रिकॉर्ड ओटावा की तरफ से कोई भी इंडिविजुअल होल्ड नहीं कर रहा है। अगर मैं थोड़ा समराइज पर आ जाऊँ तो आपको जो चीज़ दिख जाएगा, देखो ओटावा की तरफ से परफॉर्मर नोटिस करना, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ओटावा की तरफ से कौन देखने को मिल रहे हैं, कोई भी नहीं, उस तरह से बताने लायक कोई नहीं थे। जो ब्रूम का फर्स्ट इनिंग 48 और यहाँ पर तो 162 पर वो निपट गए, बाकी बॉलरों में से कोई नहीं है। दूसरा मैच अगर हम देखेंगे ओटावा की तरफ से उस तरह से बताने लायक एक दो विकेट, और यहाँ पर नेथन स्मिथ जो थे अवेलेबल तो वो नहीं है, कैम हॉकिंस वो भी नहीं है, फिनी वो भी नहीं है। और 2019 में जो लास्ट मैच उन्होंने खेला था डनडिन के बाहर, वहाँ पर हमें रिपन देखने को मिला था, 4 विकेट उन्होंने निकाला था। और बेकन जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है 43 उन्होंने बनाया था। रदरफोर्ड दोनों इनिंग्स में ये कुछ परफॉर्मर्स थे, ठीक है? ये दो तीन कुछ नाम आ रहे हैं, अब देखें ज़्यादा परफॉर्मर नहीं है। जो बेस्ट परफॉर्मर्स आपने देखे हैं चाहे वो केली हो, रदरफोर्ड हो, डेल फिलिप्स हो, उनके सभी के जो परफॉर्मेंस हैं वो डनडिन में ही आए हैं, डनडिन के बाहर नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं हेड टू हेड में, मैं फिर से डिटेल में नहीं बता रहा। आप अगर और डिटेल में देखना चाहते हैं बिल्कुल देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो वीडियो बैक करके पॉज करके देख लेना। तो हेड टू हेड की भाई बातें तो यहाँ तक ही रही, मैं फिर से पुरानी चीज़ें नहीं बता रहा, ग्राउंड के बारे में बात करते हैं, ठीक है? आपने देखा कि पिछले 2 सीज़नों में 2 या 3 मैचेस हुए हैं कंप्लीट, तो उससे तो हमारा कुछ डाल गलने वाला नहीं है, इसीलिए 2018 का भी मैं 2 मैच आपको दिखा रहा हूँ। समझने की कोशिश करते हैं हम कि क्या हो रहा है यहाँ पे। काफ़ी सारे मैचेस यहाँ पर छोटे भी हुए हैं, इसीलिए उतना क्लियर आइडिया हमें शायद नहीं मिले डिसेंट मैचेस से, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं हम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है समझने की, ठीक है? देखो सेंट्रल डिशेज बनाम कैंटरबरी, सेंट्रल डिशेज ने बनाया 164, सिर्फ 164। पेसर्स का अपर हैंड है, ग्रे घे का कुछ स्कोर है, ज़्यादा नहीं। कैंटरबरी को भी यहाँ पर ज़्यादा रन नहीं बनाने दिया। कुछ प्लेयर्स के नाम यहाँ पर बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपको मिल जाएगा इस राउंड में सेंट्रल डिशेज की तरफ से, भले ही उनके रिकॉर्ड इतने अच्छे नहीं हो टीम के, लेकिन उनके पर्सनली अगर हम बताएं इंडिविजुअली तो रिकॉर्ड आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे, ठीक है? नोटिस करो, रे टूल करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको दिख जाते हैं, 2 विकेट उन्होंने निकाला। सेंट्रल डिशेज ने यहाँ पर 287 बनाया था, जो कि बड़ा स्कोर बिल्कुल भी नहीं था, 9 विकेट खो भी गए थे, शायद 10-20 रन के भीतर ऑल आउट भी हो जाते, लेकिन मैच यहाँ पर बंद हो गया बारिश के चलते। रन बनाने वाले प्लेयर्स कौन थे, शमुलियन और ब्रैड स्मिथ, जिनके काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स रहते थे इस ग्राउंड पे। ओवरऑल किसी फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक रिकॉर्ड होल्ड करते थे वो, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। शमुलियन ये नाम नोटिस करो, बाकी रेटूल आपने नोटिस करा, पेसर्स का अपहरण यहाँ से। चलो अगला मैच, ये था 2020 का मैच और ये लास्ट मैच था प्लंकेट शील्ड का जो इस ग्राउंड पे हुआ है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्स बनाम सेंट्रल डिस्ट्रिक्स, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्स बनाया 347, बहुत बड़ा यहाँ पर भी नहीं लेकिन ठीक ठाक सा स्कोर है। रे टूल, शमुलियान और टिकनर, बाकी रांस तो अवेलेबल नहीं है, नहीं तो रांस के तो हर जगह पे रिकॉर्ड अच्छे होते ही हैं। सेंट्रल डिस्ट्रिक्स ने बहुत बड़ा टोटल नहीं बना था, सिर्फ 281, लेकिन उन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर दे दिया। सेंट्रल डिस्ट्रिक्स मतलब सेंट्रल डिस्ट्रिक्स की टीम का ये डिक्लेरेशन देने का जो हैबिट है ये बहुत ही पुराना है, कभी कभार ये बैकफायर भी कर जाता है, जो आपने ऊपर भी देखा होगा। तो जो भी हो, यहाँ पर इन्होंने इतना स्कोर बनाया था, हे स्टार्ट ले रहे हैं लेकिन बड़ा स्कोर नहीं है। क्लेवर, शमुलियान और ब्रूस के परफॉर्मेंसेस हैं, पेसर्स के साथ स्पिनर्स के भी यहाँ पर कुछ कुछ विकेट्स थे। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्स ने भी यहाँ पर डिक्लेयर दे दिया 233 पर। रे टूल वापस से आपको दिख रहे हैं ब्रेसवेल के साथ, ठीक है? सेंट्रल डिस्ट्रिक्स ने यहाँ पर बनाया 259, यंग के साथ क्लेवर, बाकी स्पिनर्स के यहाँ पर कुछ कुछ रोल आ रहे हैं, ठीक है? डोमिनेटिंग हो या नहीं हो, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा बहुत डोमिनेटिंग भी थे, डोमिनेटिंग हो चाहे नहीं हो, लेकिन कुछ ना कुछ रोल वो ज़रूर दिखा रहे हैं इस ग्राउंड पर स्पिनर्स की अगर हम बात करें तो। और कुछ प्लेयर्स हमें रिपीट होते हुए दिखे हैं, जिनमें से शमुलियान, रे टूल और डेन क्लीवर का नाम हमने नोटिस करा है। ग्रे घे का भी कुछ कुछ स्कोर है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना कंसिस्टेंट हमने उनको हेड टू हेड में देखा था ना, इस ग्राउंड पर उतना कंसिस्टेंट वो नहीं हो पा रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से। अच्छा, तो ये है रीसेंट 2 मैचेस, ठीक है? और तीसरा मैच मेरे ख्याल से कैंसल्ड हो गया था, ऐसा कुछ होगा। 2018 के भी 2 मैचेस हम देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा पुराना होगा, थोड़ा इरेलेवेंट भी हो सकता है, लेकिन चलो देखने की फिर भी कोशिश करते हैं, है ना? क्या हुआ, सेंट्रल डिस्ट्रिक्स ने बनाया 352, डिसेंट स्कोर है, आप कहेंगे डिक्लेयर भी दे दिया था उन्होंने। क्लेवर बाकी कोई अवेलेबल नहीं है, पेसर्स का अपर हैंड यहाँ पर दोनों इनिंग्स मतलब फॉरफिट कर दिया था दोनों टीमों ने। कैंटरबरी का मैच था, कैंटरबरी को 207 पर निपटा दिया डे 4 में जाके। डे 4 का मैच हुआ था, बारिश जैसे होता था, काफ़ी बारिश होता था यहाँ पे, अभी तो फिलहाल कोई बारिश नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन होते रहे हैं यहाँ पर, इसलिए काफ़ी पूरा मतलब मैचेस कंप्लीट ही नहीं हो पाए हैं। बाकी रांस, मरे, ब्रिसवेल ये कुछ प्लेयर्स थे।
और अगर हम चौथे मैच की बात करें तो वापस से आपको दिखेगा कि स्कोर बड़ा नहीं बना पा रही है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम। स्मूलिया लेकिन है कंसिस्टेंटली पेसर्स का अपर हैंड। वेलिंगटन की टीम थी जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्कोर बनाया था, आप कह सकते हैं 429 का स्कोर। करंट स्कोर में कोई अभी अवेलेबल नहीं है। 336/4 यहाँ पर बनाया सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने, जहाँ पे स्मूलियान वापस से आपको दिख रहे हैं, डेंग लिवर दिख रहे हैं और ग्रेग है, कुछ ना कुछ स्कोर उनका है, मतलब उतना ज़्यादा शायद नहीं लेकिन 60-70 के आसपास तो रन्स वो बना के जा रहे हैं दोनों इनिंग्स फिर आगे। लेकिन डोमिनेटिंग यहाँ पे दो बैट्समैनों के नाम हमें दिख रहे हैं। रे टूल रिसेंट समय में है, पुराने मैचेस में ऑफकोर्स वो नहीं खेले होंगे। रिसेंट समय में जो दो मेजर बैट्समैन हमें दिख रहे हैं ना, डेन क्लिवर और ब्रैड स्मूलियान, और इनमें से डेन क्लिवर का जो है वो हाइएस्ट स्कोरर रहते हैं इस ग्राउंड पे। ठीक है, मैं यहाँ पर समराइज नहीं करवा रहा क्योंकि नाम ज़्यादा नहीं है। डेन क्लिवर 50 के ओवर औसत रखते हैं पर इनिंग्स की अगर हम बात करें। स्मूलियान का थोड़ा कम है लेकिन रिसेंट समय में कम से कम एक इनिंग्स में तो स्मूलियान का नाम यहाँ पे आ ही रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हम नोटिस कर पा रहे हैं। हेड टू हेड में हमें कुछ नहीं मिला है इस ग्राउंड से, तो वहाँ से हम कुछ और फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस ग्राउंड पे अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। एक और चीज़ जो हम नोटिस कर पा रहे हैं कि रन्स यहाँ पे कम बन रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि ये जो 429 बनाया था 3 साल पहले वेलिंगटन ने, वो मेरे ख्याल से हाईएस्ट स्कोर है किसी भी टीम के द्वारा। बाकी सेंट्रल डिसीजन ने भी यहाँ पर 352 बनाया था, जिसको भी लीड करा था रॉस टेलर, लुडिक वगैरह थे, और उसके पहले 381, 347 इतना तो बना है यहाँ पर, इससे ज़्यादा तो अभी तक बनते हुए हम नहीं देख रहे हैं। लोअर साइड में ही चल रहा है स्कोर जो है। ठीक है, पेसर्स का अपर हैंड है, बीच बीच में कभी कभार स्पिनर्स विकेट निकाल भी रहे हैं, अच्छे खासे स्पिनर अगर हो तो वो डोमिनेट भी कर सकते हैं। सही है, तो ये है ग्राउंड से जो हमें समझ में आ रहा है। देखिए रीसेंट समय में ज़्यादा मैचेस नहीं हुए हैं इस ग्राउंड पे, तो इसलिए हम क्रिस्टल क्लियर कोई आइडिया तो नहीं ले सकते, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया हम ले सकते हैं कि क्या हो रहा है इस ग्राउंड पे। और जितना हमें समझ में आ रहा है, थोड़ा लोअर स्कोरिंग साइड की तरफ, मैचेस की तरफ ये इंडिकेट कर रहा है यह ग्राउंड। ठीक है, दो बैट्समैन और एक बॉलर का नाम हमने यहाँ से निकाला है सेंट्रल की तरफ से, और ऊपर तो हेड टू हेड से जो हमें प्लेयर्स मिले थे वो तो है ही। तो ये रही सारी चीज़ें जो हमारे पास बताने लायक था ग्राउंड से रिलेटेड। हेड टू हेड की चीज़ तो मैंने बताई हुई है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहता। अगर आप देखना चाहते हैं तो पहले के वीडियोस भी देख सकते हैं या फिर वीडियो बैक करके पॉज करके भी देख सकते हैं अगर आपको और डिटेल मैच देखना है तो। बाकी ये है पूरी कहानी। ठीक है, आई होप आपको सही से समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। रिकॉर्ड्स और कुछ नहीं है। प्लेइंग 11 की बात करें तो ओटावा की तरफ से एक जो चेंज होगा वो है जो गिब्सन नहीं खेलेंगे, उनके जगह पर बेकन या मैक्के में से कोई एक हिस्से, जैरड मैक्के पहले सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम में खेलते थे और ये इनका घर भी है। ठीक है, ये एक पॉइंट है जो आप नोटिस कर सकते हैं। बाकी मुझे लगता तो है बेकन ही खेलेंगे, थोड़ी सी बैटिंग भी ये कर लेते हैं। बाकी हमारे टीम में जो जो प्लेयर्स होंगे, रेनविक भी अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेल रहे थे पिछले मैच में, उसका फ़ायदा उनको मिला है। अभी अगर हमें थोड़ा सा लो स्कोरिंग इनकाउंट की तरफ जाना है तो थोड़े बहुत सेफर बैट्समैन के ऊपर हमें चांस लेना पड़ेगा। ठीक है, कुछ परसेंटेज प्लेयर होंगे जिनके ऊपर हमें चांस जो है लेना पड़ेगा। तो रदरफोर्ड आपको तो लेना पड़ेगा क्योंकि और कोई मेजर परफॉर्मर आपको नहीं देखने को मिलता है ओटागो की तरफ से। और याद रखना, हम इस मैच में ओटागो को थोड़ा बैक साइड में ही रखेंगे, थोड़ा फेवरेट जो है हम मान के चल रहे हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट टीम को, क्योंकि आपको रीजन ऑलरेडी पता होगा कि डनाडिन के बाहर रिकॉर्ड इतने अच्छे नहीं है। लेकिन फिर भी रदरफोर्ड को हम रखेंगे। रिपन को हमें रखना पड़ेगा क्योंकि यही इनके लिए मेन स्पिनर होने वाले हैं और थोड़ा बहुत स्पिनर का काम यहाँ पे है, और इस फॉर्मेट में रिपन ट्रायड एंड रस्टेड वाले प्लेयर भी हैं तो रख सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बॉलरों में से टफी आप रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेफर प्लेयर होंगे। बाकी मेरा वोट थोड़ा बहुत यहाँ पर ट्रेविस मुलर और पॉसिबल होते हैं एंगस मैकेंसी के ऊपर हो सकता है, लेकिन टफी को रख के चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो जनता मतलब अनडाउटेडली निक केली को लेगी। लास्ट में जो बंदा 200 बना के आया है उसको स्मॉल लीग में ड्रॉप करने का कोई मतलब बनता नहीं है। और एक चीज़ याद रखना, भले ही ओटागो यहाँ पर बैक साइड में रहे लेकिन उनको दोनों इनिंग्स बैटिंग करनी है। ठीक है, अगर दोनों इनिंग्स में अगर 30-30 रन भी वो बना देते हैं तब भी काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं, तो रख के चलो निक केली को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा भी आपके पास जो ऑप्शन होगा रेनविक का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा कीपर लेना चाहेंगे क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो टीम का बैलेंस ख़राब हो सकता है। ठीक है, एक्स्ट्रा बॉलर आप डफी के साथ ट्रेविस बॉलर को भी ले सकते हो, पॉसिबल हो तो एंगस मैकेंजी को भी ले सकते हो, ये बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। तो स्मॉल लीग शॉर्टलिस्ट में रदरफोर्ड, रिपन, डफी, चलो निक केली को भी हम ले ही लेते हैं, एक्स्ट्रा बॉलर एंगस मैकेंजी या ट्रेविस बॉलर में से कोई है। मैक्स काउ वगैरह मैं उतना ज़्यादा हाईली रेट नहीं कर रहा हूँ, पॉसिबल नहीं होगा मुझे लगता है, अगर आप इनको भी लेने जाते हैं तो कहीं ना कहीं पर टीम का बैलेंस जो है बिगड़ेगा।
बात करते हैं सेटर्स की तरफ से, तो ऑलरेडी आपकी टीम में जो जो प्लेयर्स आ गए होंगे, ग्रेग है, ड्रेन क्लीवर, ब्रैश मुलियान, ब्रेसवेल को भी हम रख के ही चलेंगे, रे टूल ये हमारे लिए बहुत बड़े पंट बनने वाले हैं, बेन व्हीलर ने अभी तक बॉलिंग से तो खास कुछ करा नहीं है, एक दो विकेट बीच में निकाल रहे हैं लेकिन बैटिंग से काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो बेन व्हीलर को मुझे लगता है कि आप एज ऑलराउंडर कंसिडर करें तो बेटर होगा, ठीक है, मतलब बॉलिंग ऑलराउंडर ही सही है लेकिन ऐसा कुछ कंसिडर करें तो बेटर होगा, बॉलिंग से आप उनका सिर्फ उम्मीद मत रखिए। ब्रेसवेल को जो काम करना चाहिए था वो काम कुछ तक बेन व्हीलर कर रहे हैं, बाकी टिकनर तो इनके मेन बॉलर हैं, तो ये है हमारे लिए 7 प्लेयर्स जिनमें से हम 6 को लेकर चलेंगे। बेन व्हीलर एक ऑप्शन बने रहते हैं, अगर आपको सेफ जाना है आप रे टूल के जगह पर भी बेन व्हीलर लेकर चल सकते हो, लेकिन रे टूल रीसेंट समय में अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं और वैसे भी पिछले सीजन में इस फॉर्मेट में उन्होंने काफ़ी इफेक्टिव बॉलिंग करा के रखा हुआ था और इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड भी इनके डिसेंट है, तो इसीलिए हम रे टूल को कंसिडर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो हम प्लेयर मिस कर रहे हैं, सेफर प्लेयर जो है वो है टॉम ब्रूस, पहले दोनों ही मैच में उन्होंने रन बना के रखा हुआ है, इस फिक्चर में भी अच्छे रिकॉर्ड्स होल्ड कर रहे हैं, लेकिन इस ग्राउंड पे इनके कोई रिकॉर्ड्स नहीं है जो आपने नोटिस करा होगा, ये भी काफ़ी पुराने प्लेयर हैं और काफ़ी दिनों से खेल रहे हैं लेकिन एक भी मैच पर मेरे ख्याल से इनका नाम नहीं आया है, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ, जी नहीं मुझे तो अभी तक तो टॉम ब्रूस का कुछ खास नहीं दिखा है इस ग्राउंड पर, जी हाँ यहाँ पर एक 41 हालांकि था, यही था शायद, लेकिन इसके अलावा जी हाँ ग्राउंड पे उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं होल्ड कर रहे टॉम ब्रूस, इसीलिए मैंने इनिशियल का नाम नहीं बताया है और थोड़ा हम क्योंकि बॉलिंग हैवी टीम की तरफ जा रहे हैं तो टॉम ब्रूस एक ट्राइबल ऑप्शन है अगर आप चांस लेना चाहते हैं तो, बाकी बिल्कुल आप टीम में रख के चल सकते हैं क्योंकि देखिए बैट्समैनों को वैसे भी ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं इस फॉर्मेट में, आपको पता ही होगा, तो इसीलिए रख के चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसके बाहर कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से निक के लिए मैंने बताया और यहाँ से टॉम ब्रूस जिनको हम टीम में रखेंगे लेकिन इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं देंगे क्योंकि स्मॉल लीग की बात है तो ज़्यादा रिस्क का कोई फ़ायदा नहीं है। कैप्टन पर्सनल चॉइस की बात करें तो ग्रेग है जिन्होंने दोनों मैच में लगातार 100 मार्के रखा हुआ है और काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड होल्ड कर रहे हैं भाई साहब, लेकिन इस ग्राउंड पे थोड़ा सा हल्का रहा है इनका परफॉर्मेंस, लेकिन फिर भी अभी भी मैं कहूँगा कि कैप्टन नहीं तो वाइस कैप्टन मटेरियल पर बन ही सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद ड्रेन क्लीवर वैसे भी डिफॉल्ट कीपर हैं और काफ़ी लोग कैप्टन बना सकते हैं, अनलेस कि कोई बिल्कुल ही सेफ जाना चाहे तो नहीं बनाएगा, लेकिन मुझे लगता है ड्रेन क्लीवर बिल्कुल कैप्टन चॉइस है। उसके बाद टॉम ब्रूस, ब्रैश मुलियान जिन्होंने अभी तक ये परफॉर्म करा है की तरफ से, बॉलिंग पे रे टूल हमारे लिए बहुत बड़े पंट बन सकते हैं, बेन व्हीलर को भी आप ले सकते हैं लेकिन बॉलिंग ऑलराउंडर की तरह कंसीडर करना, बॉलर की तरह नहीं, और ब्रेसवेल अभी तक तो उतना मोमेंटम अच्छा गेन नहीं कर पाए हैं लेकिन हम अपनी टीम में इनको रखने की कोशिश करेंगे, आपकी टीम को हमेशा बैलेंस करेंगे। ओटो की तरफ से रदरफोर्ड और केली लास्ट मैच 200 रन बनाने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई इनको ड्रॉप करने वाला है और हम भी ड्रॉप नहीं करेंगे, फालतू का रिस्क क्यों ही रहे हैं ना, क्योंकि अच्छा मोमेंटम है इसी टीम के अकेले रन बना के आए हैं, सिर्फ ग्राउंड के चेंज होने की वजह से हम पूरा ही चेंज कर देंगे माहौल, तो ये शायद गलत हो सकता है। और उसके बाद रिपॉन और डफी जिन्होंने परफॉर्म करा है, इसके अलावा रेनविक ने भी 100 मार्क रखा हुआ है लेकिन मुझे नहीं लगता स्मॉल लीग में ज़्यादा लोग इनको ले पाएंगे, टीम का बैलेंस बिगड़ जाएगा और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कुछ मिस करना पड़ सकता है उसके जगह पर, और डेल फिलिप्स उसके बाद, इसके अलावा आपके पास जो बॉलरों में से ऑप्शन आएंगे ट्रेविस मुलर, एंगस मैकेंजी, आप अगर ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि इस मैच की फाइनल स्मॉल लीग की फुल टीम जो है वो आपको वहीं पे मिलने वाली है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके सिवा भी अगर आप सर्च करोगे टेलीग्राम के सर्च बार पे @teams4win विदाउट स्पेस लिख के तो 1,22,000-23,000 के आसपास दिख जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, फ्री में आपको टीम्स मिलती रहती है ना सिर्फ क्रिकेट की बल्कि फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसे गेम्स की भी, तो ज्वाइन जो है जरूर हो जाना, सब कुछ फ्री में है, सब कुछ आप के लिए है, तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम इलेवन की टीम। तो दो स्लॉट्स यहां पर खाली हैं, ठीक है, भाई से देखना, एक आप बॉलर ले सकते हो, ठीक है, जो बॉलर के रूप में आपके पास ऑप्शन होंगे बेन व्हीलर का, बेन व्हीलर को बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे ही कंसीडर करना, मैं ये बार बार कह रहा हूं सिर्फ बॉलर के तौर पे नहीं, और यहाँ पे आपके पास जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेविस मुलर और यहाँ पर एंगस मैकेंजी जैसे बॉलर्स के भी ऑप्शन हैं जिनके साथ जा सकते हो, और बैटिंग सेक्शन में जनता जो है टॉम ब्रूस के साथ जा रही है, ठीक है, टॉम ब्रूस को लोग ले रहे हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छा है लेकिन थोड़ा सा इस ग्राउंड पे उनके परफॉर्मेंसेस अच्छे नहीं हैं, इसीलिए मैंने इनिशियल नहीं रखा है लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरे टीम में आ जाएंगे क्योंकि मुझे फालतू का रिस्क नहीं लेना है, सही है। ब्लेयर टिकनर के साथ मैंने रे टूल को यहाँ पर रखा है, रे टूल के जगह पर भी बेन व्हीलर को आप ले सकते हो, आप अगर बेन व्हीलर को लेते हो रे टूल के जगह पर और यहाँ पे ब्रेसवेल को लेते हो समझ लीजिए तो आपके पास बिल्कुल परसेंटेज टीम जैसा ही हो जाएगा, और यहाँ पर टॉम ब्रूस
जैसा टीम हमने लास्ट मैच बनाया था वैसा ही टीम यहाँ पर ही बन जाएगा, सिर्फ हमने वहाँ पे यहाँ पर लिनॉक्स लिया था, अभी व्हीलर ले रहे हैं, और यहाँ पर मुलर लिया था, अभी डफी ले रहे हैं। तो लास्ट मैच जैसा ही टीम हो जाएगा, जो कि बहुत बुरा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा अगर कहीं पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो ये ऑप्शन है। ठीक है, कैप्टन भास्करन चॉइस की बात करें तो मुझे लगता है डेन क्लिवर बहुत बढ़िया ऑप्शन बन सकते हैं इस ग्राउंड पे। पर्टिकुलरली इस फिक्चर में उनके रिकॉर्ड्स उतने हाई कुछ नहीं है, लेकिन इस फिक्चर में कोई मैच इस ग्राउंड पे हुआ भी नहीं है, और इस ग्राउंड पे रीसेंट समय में काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड ये होल्ड कर रहे हैं, फॉर्म भी बढ़िया है। लास्ट मैच में फाइट करके उन्होंने मैच बचाया था सूलियान के साथ, पार्टनरशिप करके कीपिंग के पॉइंट सबको देंगे ही, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स के सपोर्ट में जा रहे हैं। सिर्फ एक ही पॉइंट नहीं है, वो है इस फिक्चर में उनका अच्छा रिकॉर्ड, लेकिन काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं डेन क्लिवर इस सीजन में, तो एक बढ़िया ऑप्शन बन जाते हैं। और शमुलियान उसके बाद, रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और वैसे भी इस फिक्चर में भी अच्छे रिकॉर्ड्स वो होल्ड कर रहे हैं। ग्रेग है हमेशा ही एक ऑप्शन बने रहते हैं, ग्रेग है के जैसा कंसिस्टेंट परफॉर्मर इस फिक्चर में हमें कोई और मिलेगा नहीं, तो हमेशा ही एक ऑप्शन भी बने रहते हैं, और काफ़ी लोग इनको कैप्टन ऑप्शन बना सकते हैं, इसके लिए भी तैयार रहना। तो सेंट्रल सी सपोर्ट में हम टीम बना रहे हैं, तो इसीलिए ये तीन हमारे लिए काफ़ी डिसेंट ऑप्शन है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास रदरफुर्ड का ही ऑप्शन होगा, जो थोड़ा बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि डनर्डिन के बाहर निहायत ही खराब परफॉर्मेंस है ओटाको का, तो इसलिए ओटाको की तरफ से हम इनिशियली किसी को कैप्टन भास्करन बनाने की सोच नहीं रहे हैं। तो ये तीन ऑप्शन है सेंट्रल की तरफ से जिनके ऊपर हम फोकस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अलग कुछ करना है तो रदरफुर्ड का ऑप्शन रहता है, रिपन जैसे प्लेयर्स के ऑप्शन रहते हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट चैनल पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।